नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ RRB JEE CVT 2 पोस्ट वाइज की बात करेंगे यहाँ पे कि आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या सभी लोग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपने जो पहले पोस्ट के लिए मतलब CBT 1 में जो आपने पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो क्या आप CBT 2 में भी उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे या सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अगर आप आगे पीछे का देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि क्या फालतू की बकवास कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको एक एक चीज़ इसमें एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और फ्रेंड्स, आप लोग इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ्स के बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबिलिटी पे मिल जाएगा क्या चीज़। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके फ्रेंड्स, 100 लाइक्स का टारगेट है। फ्रेंड्स 100 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, छोटा सा काम है ये, तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग ने अगर RRB ELP का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप RRB ELP का नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, जो पोस्ट डिटेल्स RRB ELP की थी और RRB JEE की थी, ठीक है, RRB ELP एंड RRB JEE, ठीक, जो इनकी जो पोस्ट डिटेल्स थी दोनों की, फ्रेंड्स ये सेम है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। आप चाहे तो नोटिफिकेशन उठा के देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप अगर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को दोनों को सेम टू सेम मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखाया। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, आप लोग खुद बोरिंग फील करेंगे। और आप लोग उस चीज़ को खुद एनालाइज करके देख लीजिए। आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग नोटिफिकेशन उठा के। नोटिफिकेशन तो आप लोग को मिल जाएगा, वेबसाइट्स पे जाइए, आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक। पोस्ट वाइज जो डिटेल्स थी वो आपके RRB ELP और RRB JEE दोनों की सेम है, ठीक। अब आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि जो ELP CBT 1 में जैसे कि पोस्ट वाइज जो थी, तो उसमें जैसे फ्रेंड्स CBT 1 के लिए कुछ बच्चे थे 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल, 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल, 5 पोस्ट के लिए थे, कोई सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, ठीक। तो ELP CBT 1 में जो बच्चा 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल था, क्या वो CBT 2 में बाकी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल था? फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो बच्चा 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल था और CBT 2 में अगर उसकी मतलब कि CBT 2 में अदर पोस्ट के लिए भी क्वालिफाइड था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो CBT 1 में अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप CBT 2 में के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसा है, हाँ आप एलिजिबल हो सकते हैं सभी पोस्ट के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको अब मैं बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि जो बच्चे CBT 1 में सभी 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और वहाँ पे CBT 2 में क्या बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अब आगे देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो ये है कि जो बच्चा CBT 2 में कट ऑफ्स को क्वालिफाई करता है, ऐसा कोई भी पोस्ट मिल, उसे कोई भी पोस्ट मिल सकती है, डिपेंड ऑन क्या होता है CBT 2, ठीक, डिपेंड करता है आपका CBT 2 पे, CBT 2 के मार्क्स पे आपके डिपेंड करता है कि सॉरी जो भी बच्चा CBT 2 में जो कट ऑफ्स को क्वालिफाई करता है उसे कोई भी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। अगर CBT 1 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और बच्चे, अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग कहेंगे कि अगर आप सिर्फ CBT 1 में 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे तो क्या CBT 2 में आप लोग को बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। दोस्तों देखिए, अगर आप सिर्फ CBT 1 में 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, ठीक है, CBT 1 में आप 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे CBT 2 में अगर आप लोग 95 मार्क्स हैं, ठीक, आपके 95 मार्क्स हैं और कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ आपकी गई है 94, ठीक, मतलब जिस कैटेगरी के आप लोग हैं मैं उसको बता रहा हूँ, अभी बाद में आगे कम्युनिटी वाइज का मैं बताऊंगा क्या डिपेंड करता है कि किसको किसको फायदा है इस टाइप से, ठीक। अगर आपके 95 मार्क्स हैं, कट ऑफ जा रही है 94, ठीक, क्या आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगी CBT 2 पोस्ट में, क्या आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाँ आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ को इसको क्लियर करते हैं तो आप बाकी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। क्या CBT 1 पे मतलब इफेक्ट पड़ेगा CBT 1 का या नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका भी मैं बता देता हूँ कि हाँ पड़ेगा, ठीक है, CBT 1 के मार्क्स का भी आप पे इफेक्ट पड़ेगा, CBT 1 के मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे और बताता हूँ डिटेल आपको,
जैसे अब वो कैसे पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कम्युनिटी वाइज का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए चार कैटेगरी कम्युनिटी होती है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ठीक। तो एससी का जैसे मान लीजिए आप 80 नंबर है और जनरल के हैं आपके 90 नंबर, ठीक। अगर आप एससी वाला बंदा जनरल की कट ऑफ्स को क्लियर करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एससी वाला बंदा अगर जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है तो उस सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाइज एलिजिबल होगा, ठीक है। अगर एससी का 80 नंबर वाला बंदा जनरल का 90 नंबर की कट ऑफ को क्लियर करता है तो वो सीबीटी वन में, जिस मतलब कि जो बच्चा एससी का मतलब कि सीबीटी वन में जिस बच्चे ने जनरल की कट ऑफ को क्लियर किया है पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा सीबीटी टू में, हाँ, तो वो भी एलिजिबल होगा। समझ गए? तो आपने क्या समझा, सीबीटी वन में जो एससी का बंदा है उसने अगर जनरली पोस्ट को क्वालिफाई किया है अगर सीबीटी वन में, तो वो सीबीटी टू में जनरल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, बाकी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होगा। आगे और मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर सीबीटी टू में वही बंदा, अगर सीबीटी टू में यहाँ पे जो एससी का बंदा है जो सीबीटी टू में अगर एससी की 90 नंबर ला रहा है, जनरल का 100 है, ठीक, इसमें अगर एससी का बंदा 110 लाता है, ठीक, तब वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक। मतलब कि अगर एससी सिर्फ नहीं, अगर आप एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज ऐसा नहीं है, अगर सीबीटी वन में अगर बंदे ने एससी के स्टूडेंट ने अगर सुनिएगा सीबीटी वन में अगर एससी का बंदा जनरल पोस्ट को क्वालिफाई नहीं करता है लेकिन सीबीटी टू में जनरल की सारी पोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, नंबर वो 110 लाया है या कोई 120 लाए, कितना भी लिया है, तो क्या वो सभी पोस्ट के एलिजिबल होगा? नहीं, तब बिल्कुल नहीं होगा, उस केस में बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा वो, ठीक है। अगर सीबीटी टू में रूल लेके आ रहा है नंबर तो मार्क्स लाने कोई फायदा नहीं, हो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक। तो यही डिपेंड करता था यहाँ पे सीबीटी वन और सीबीटी टू में कैसे मार्क्स पोस्ट वाइज डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आप लोग का सीबीटी वन सीबीटी टू मार्क्स को डिसाइड किया गया है, इसी के बेसिस पे आप लोगों को पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताया गया है, पोस्ट वाइज जैसे कैसे हुआ सीबीटी वन मार्क्स पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। सीबीटी वन मार्क्स पे तभी करेगा अगर एससी वाले स्टूडेंट्स या ओबीसी वाले स्टूडेंट्स जनरली कट ऑफ को क्लियर करेंगे, तो समझ गए यहाँ पे क्या था, बस यही है। एससी अगर एससी और ओबीसी के स्टूडेंट अगर आप सीबीटी वन में जनरल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, किसको, जनरल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं सीबीटी वन में, तब आपको बेनिफिट मिलेगा आपको सीबीटी टू में अदर पोस्ट के लिए। अगर एससी का बंदा और ओबीसी का बंदा अगर जनरल कट ऑफ क्लियर करता है सीबीटी वन में, तो वो आपका सीबीटी टू में आप लोग की सीट को खा जाएगा, ठीक है, आप लोग की पूरी सीट को वो आप लोग को खा जाएगा, वो उसकी सीट तो रिजर्व रहेगी ही और वो आपकी जनरल की सीट को खा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये केस बनता है अगर आप सीबीटी वन में एससी और ओबीसी के स्टूडेंट्स अगर आप लोग जनरल पोस्ट को जनरल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो। लेकिन आप अगर जनरल कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं सीबीटी वन में, डायरेक्ट सीबीटी टू में आप 150 नंबर ला रहे हो, 150 में से अगर आप 110 120 ला रहे हो तो कोई मतलब नहीं उस मार्क्स का, तो आप लोग कोई पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, जो आप लोग की पोस्ट के लिए सीबीटी वन में क्वालिफाइड थे बस आप लोग को वही पोस्ट मिलेंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक। तो यही इफेक्ट्स पड़े हैं आप लोग के जो मार्क्स के ऊपर और ये सब चीजें हैं, पोस्ट वाइज क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे, यही सब इन्हीं सब चीजों पे आप लोग का डिपेंड किया है, ठीक। इससे ज्यादा कोई ज्यादा मतलब आप लोग को पोस्ट एलिजिबिलिटी का डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मेरे को यहीं तक पूरा आपको देना था, इससे ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो आपको कोई और दे। तो फ्रेंड्स ये जो इफेक्ट पड़ा है इसी के बेसिस पे आपको मुझे बताना था कि आपका पोस्ट वाइज कैसे आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस तो इतना ही बताना था आपको आज के लिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फ्रेंड्स 100 लाइक्स का टारगेट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा पूरा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स और रिजल्ट की बात कर लें, रिजल्ट तो आप लोग के सभी के मन में होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट दोस्तों 15 नवंबर तक आने की चांसेस हैं, कितनी, 15 नवंबर, ठीक। तो आपका रिजल्ट जहाँ तक है आप लोग का 15 नवंबर तक आ जाएगा, या उससे एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है। सीबीटी टू तो आप लोग का बहुत जल्दी हो गया था,
सीबीटी टू में इन्होंने 10 दिन के अंदर ही करा दिया, 15 दिन के अंदर ही कि आप लोग का सीबीटी टू का रिजल्ट है। अब रिजल्ट लाने में इतना टाइम लगा रहे हैं, रिजल्ट तो बोल रहे हैं सब लोग रेडी है, हायर ऑफिशियल से बात की तो रिजल्ट सब बताने के रेडी है, आप लोग का कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।